बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मेजर ग्रॉम प्लेग डॉक्टर। इस कहानी की शुरुआत होती है सेंट पीटर्सबर्ग से, जहां पर मेजर ईगर ग्रॉम को दिखाया जाता है जो तीन रॉबर्स को चेस कर रहे होते हैं। मेजर ग्रॉम बड़ी बहादुरी से उन तीनों का पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन इस सब में शहर में बहुत तबाही मच जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। दरअसल मेजर ग्रॉम गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने रूल्स से क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, इसके चलते काफी नुकसान भी हो जाता है। अब क्योंकि उन्होंने शहर में तबाही मचाई होती है, इसीलिए कर्नल उन्हें अपने पास बुलाते हैं। और जब मेजर ग्रॉम कर्नल के पास जाते हैं तो बाहर जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो शर्त लगाते हैं कि आज कर्नल मेजर ग्रॉम को जॉब से निकाल देंगे, और कर्नल करते भी ऐसा ही हैं। वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे रिजाइन लेटर लिखने को कहते हैं। मेजर ग्रॉम रिजाइन लेटर लिखकर वहां से निकल जाता है। कर्नल ग्रॉम हालांकि उसका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो उसे फाड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेजर ग्रॉम का तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो शहर में क्राइम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मेजर ग्रॉम जब ऑफिस के बाहर जाते हैं तो देखते हैं सभी पुलिस वालों ने शर्त लगा रखी है। वो शर्त के सारे पैसे उठाकर वहां पर एक आदमी को दे देते हैं जिसे इन पैसों की बहुत जरूरत होती है। दरअसल मेजर ग्रॉम एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि एक अमीर बिगड़े हुए लड़के ने अपनी गाड़ी से उड़ाकर एक बच्ची को मार दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। पर जब मेजर ग्रॉम के हाथ ये केस आता है तो बिना सबूत के वो उसे पकड़कर अदालत के सामने पेश कर देते हैं, जहां पर उस बच्ची का भाई भी गवाही देता है जिसको एक्सीडेंट में मार दिया गया था। दरअसल ये दोनों भाई बहन अनाथ थे और एक ऑर्फनेज में रहते हैं, लेकिन उसकी गवाही का कोई फायदा नहीं होता। ये अमीर लड़का छूट जाता है क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलते। और अब उस बच्ची का भाई जिसे इस अमीर लड़के ने मारा था, जिसका नाम लियोशा है, वो इस अमीर लड़के पर हमला करने वाला होता है कि मेजर ग्रॉम उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब भी मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही अमीर आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सरगई होता है। ये एक सोशल नेटवर्क क्रिएटर होता है और ये भी उसी अनाथाश्रम में पलकर बड़ा हुआ था जिस अनाथाश्रम में लियोशा है, जिसकी बहन को उस अमीर लड़के ने अपनी गाड़ी से मार दिया है। सरगई को जब ये पता चलता है कि उस लड़के को कोर्ट ने छोड़ दिया तो उससे बहुत दुख होता है, लेकिन उसका दोस्त उसके पास आता और कहता है कि तुम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल लोगे। अब रात को मेजर ग्रॉम को ऑर्फनेज की टीचर का कॉल आता और बताती है कि लोएशा ऑर्फनेज में नहीं है, वो गायब हो गया है, मुझे डर है कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। वही हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने एक्सीडेंट करके लोएशा की बहन को मार दिया था। उसके सामने एक नकाबपोश होता है जो उस लड़के को मार देता है। हालांकि मेजर ग्रॉम भी अब यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन वो नकाबपोश को नहीं रोक पाते और वो इस जगह से निकल जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लोएशा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि सबको उसी पर शक होता है कि उसी ने उस अमीर लड़के को मारा है। लोएशा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेजर ग्रॉम जाते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि लोएशा ने उस लड़के को नहीं मारा। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम उस नकाबपोश के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे बता दो। ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अब मेजर ग्रॉम किसी भी कीमत पर उस नकाबपोश को पकड़ना चाहते हैं। इन्हीं के साथ एक और इंस्पेक्टर होता है जो बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है। वो उस नकाबपोश का स्केच बनाता है। साथ ही मेजर ग्रॉम इंटरनेट पर और सभी फाइल्स को चेक करके उस नकाबपोश की कोई ना कोई खबर निकालना चाहते हैं, लेकिन मेजर ग्रॉम को बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिलते। पर उन्होंने अब उसकी एक पूरी फाइल तैयार कर ली है, जिसे लेकर जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक लड़की को दो लोग परेशान कर रहे हैं। मेजर ग्रॉम उन दोनों को मारकर उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। और जब मेजर ग्रॉम किचन में जाते हैं तो वो लड़की उस पूरी फाइल की, जो उन्होंने मास्क मैन की बनाई होती है, उसकी हर एक पेज की फोटो खींचकर वहां से निकल जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम यूलिया होता है। ये एक ब्लॉगर और जर्नलिस्ट है, इसीलिए मास्क मैन के बारे में इसे सबूत चाहिए होते हैं जो इसने हासिल कर लिए। मास्क मैन जो पूरे शहर के लिए सनसनी बन चुका है, उसे दिखाया जाता है वो सरगई के पास जाता है और अपना मास्क उठाता है। दरअसल ये सरगई का दोस्त होता है। ये दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। हालांकि सरगई उसे कहता है कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं हो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इंटरनेट पर आकर सबको कहता है कि मैं शहर के हर उस इंसान को मार दूंगा जो यहाँ पर क्राइम करता है, उन अमीरजादों को भी जो दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते। मेरा नाम प्लेग डॉक्टर है और अब मैं इस शहर से प्लेग की बीमारी की तरह क्राइम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा
और अब पूरे शहर में वो एक हीरो की तरह उभर जाता है। हर कोई प्लेग डॉक्टर की सपोर्ट में होता है क्योंकि वो शहर से क्राइम को खत्म कर रहा होता है और इसके बाद भी वो कई लोगों को मारता है। और जब मेजर ग्रोम क्राइम साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस केस को एक दूसरे सीनियर ऑफिसर को दे दिया गया है जो उसके कर्नल के भी ऊपर हैं। और अब मेजर ग्रोम को दूसरे केस दे दिए जाते हैं, लेकिन उसका साथ उसका पार्टनर जो कि बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है, जिसने मास्क मैन का भी स्केच बनाया था, वो भी उसके साथ होता है। मेजर ग्रोम किसी भी तरह से प्लेग डॉक्टर को खत्म करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। इसीलिए एक आदमी के पास जाता है जो उसे हमेशा खबर दिया करता था और वो शहर के उन सभी लोगों के नाम उसे देता है जिन पर उसे शक होता है। मेजर ग्रोम एक एक करके सबको मार देते हैं और अब उसकी लिस्ट में एक ही आदमी बसता है जिसका नाम सरगई है। और जब वो सरगई से मिलता है तो देखता है कि सरगई बहुत अमीर है, वो बहुत फेमस भी है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था मैं अनाथ आश्रम में रहा करता था और मैं अमीर लोगों को देखकर जला करता था, इसीलिए मैंने मेहनत की और मैं भी अमीर बन गया और आज मेरे पास वो हर चीज है जो किसी भी अमीर आदमी के पास हो सकती है। मेजर ग्रोम को सरगई के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो अपने मोबाइल पर एक न्यूज देखते हैं जो कि यूलिया की होती है, जो उसके घर से मास्क मैन की फोटोज और उसकी सारी डिटेल्स ले गई थी। और अब वो यूलिया के घर जाते हैं। यूलिया कहती है कि मैं एक ब्लॉगर, एक जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरा काम है, मुझे ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद मेजर ग्रोम वहां से चले जाते हैं और जब यूलिया वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि उसका लैपटॉप, जिसके अंदर सारे के सारे सबूत थे, वो चलते हुए पानी के टैप के नीचे रखा हुआ है, यानी कि मेजर ग्रोम ने उसके लैपटॉप को खराब कर दिया है। वहीं प्लेग डॉक्टर शहर में और भी कई लोगों को मार देता है। वो एक पूरे परिवार को मार देता है जो कि बहुत ही अमीर होता है, क्योंकि उसकी वजह से शहर में बहुत ज्यादा कूड़ा फैला था। और अब प्लेग डॉक्टर की तरह शहर में बहुत सारे लोग उसी की तरह मास्क पहनकर उन अमीर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो गलत काम करते थे। पूरे शहर का माहौल खराब हो जाता है। अब शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें शहर के सभी रईस आदमी आए होते हैं और यहाँ पर सरगई भी आया होता है, जो इस क्लब के ओनर के पास जाता है और कहता है कि ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी लेकिन तुमने इसे क्लब में कन्वर्ट कर दिया, जो कि गलत है। लेकिन क्लब का ओनर उसकी बात नहीं मानता और अपने आदमियों से कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मास्क पहनकर आ जाते हैं जो प्लेग डॉक्टर के फॉलोअर्स होते हैं और वो इन सभी लोगों को एक साथ मारना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, सरगई उनके सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सरगई के ऊपर ही हमला कर देते हैं। यहाँ पर मेजर ग्रोम भी आ जाते हैं और वो उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनके मास्क भी हट जाते हैं और इनमें एक लोयशा भी होता है, वही बच्चा जिसकी बहन को उस अमीरजादे ने एक्सीडेंट में मार दिया था। दरअसल वो भी प्लेग डॉक्टर का फॉलोअर था। अब जब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है जिसे प्लेग डॉक्टर का केस दिया गया है। और जब उसे पता चलता है कि मेजर ग्रोम इस केस में अभी भी इन्वॉल्व है तो वो उन्हें सस्पेंड कर देता है। साथ ही यहाँ पर जितने भी प्लेग डॉक्टर के फॉलोअर्स होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेजर ग्रोम जो कि सस्पेंड हो चुके हैं वो किसी भी तरह से प्लेग डॉक्टर को पकड़ना चाहते हैं। उनको सबसे ज्यादा शक अब सरगई पर होता है, इसीलिए वो उस अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां पर बचपन में रहा करता था। उन्हें वहां पर बचपन की उसकी नोटबुक्स मिलती है जिसमें कुछ स्केचेस उस क्रोम मास्क की तरह भी होते हैं जो मास्क प्लेग डॉक्टर पहना करता है। और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सरगई मास्क मैन यानी कि प्लेग डॉक्टर है। यहाँ पर मेजर ग्रोम को सरगई के सबसे अच्छे दोस्त के बारे में भी पता चलता है जो हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन यहाँ लिखा होता है कि एक साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अब मेजर ग्रोम सीधा सरगई के पास जाते हैं। सरगई को भी समझ में आ चुका है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए वो सारा सच बता देता है। वो कहता है कि प्लेग डॉक्टर मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। और तभी उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर सरगई डर जाता है। सरगई मेजर ग्रोम से कहता है कि मास्क मैन ये है, यही प्लेग डॉक्टर है। लेकिन जब मेजर ग्रोम सामने देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता और इसके बाद वो उसके उसी दोस्त की जिसे वो प्लेग डॉक्टर कह रहा होता है उसकी फाइल दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो एक साल पहले मारा जा चुका है। फाइल को देखकर सरगई पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल सरगई का दोस्त सच में एक साल पहले मारा जा चुका था और उसके बाद उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, जिसमें वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में अपने उसी दोस्त को देखा करता था जो एक साल पहले मारा जा चुका है। और प्लेग डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि सरगई खुद है। लेकिन अब सरगई को
सारी बात समझ में आ चुकी है। मेजर ग्रोम उसे पकड़ ना ले इसीलिए वो उनके सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर अपने दिमाग पर हावी होने से रोकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहता है। और इसके बाद वो क्रोमैन के सूट को जो प्लेग डॉक्टर पहनकर शहर में लोगों को मारा करता था उसे मेजर ग्रोम को पहना देता है, जिसके बाद मेजर ग्रोम को पुलिस पकड़ लेती है। और अब सबको ये लगता है कि प्लेग डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मेजर ग्रोम है। मेजर ग्रोम जब जेल में होते हैं तो यूलिया उनसे भेष बदल कर मिलने के लिए आती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस केस को अकेले ही सॉल्व करूंगा। दरअसल वो हमेशा हर केस को अकेले ही सॉल्व किया करते थे, पर कुछ देर बाद उनका वो साथी जो स्केच बनाया करता था वो जेल के गार्ड के कपड़े पहनकर सेल में जाता और एक ड्रेस उनके लिए भी ले जाता है, और ये दोनों के दोनों जेल से बाहर निकल जाते हैं, जहां बाहर यूलिया इन दोनों का इंतजार कर रही होती है। और अब ये तीनों के तीनों मेजर ग्रोम के पिता की पुरानी वर्कशॉप में जाते हैं। यहां से मेजर ग्रोम कुछ हथियार लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सरगई होता है, लेकिन सरगई ने यहां पर प्लेग डॉक्टर का सूट पहले से पहना होता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है, लेकिन मेजर ग्रोम किसी तरह से उसे कंट्रोल कर लेता है। और ठीक उसी वक्त प्लेग डॉक्टर यानी कि सरगई एक वीडियो को अपलोड कर देता है, जिसको देखने के बाद शहर में जितने भी उसके फॉलोवर्स होते हैं वो सब के सब बाहर निकलकर दंगा करना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में दंगे होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कंट्रोल करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। और अब सरगई मेजर ग्रोम को बताता है कि ना वो सिर्फ करप्ट लोगों को मारना चाहता है बल्कि शहर के सभी अमीर लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि वो अमीर लोगों से नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि जो भी उसके बहरूपी हैं जो उसको फॉलो करते हैं वो भी बचे। इसीलिए उसने उन सब को उकसाया होता है ताकि मिलिट्री आकर उन सब को मार दे और इस शहर को एक नया शहर बनाया जा सके। अब हालांकि मेजर ग्रोम ने उसके सूट को उतार दिया होता है जो उसकी पावर है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के हथियार है, लेकिन वो अपनी चालाकी से एक और सूट को पहन लेता है और इसके बाद वो मेजर ग्रोम के ऊपर हमला करता है। वो मेजर ग्रोम को मारने वाला होता है कि तभी मेजर ग्रोम का वो साथी जो स्केच बनाया करता था वो वहां पर आकर पानी के प्रेशर से उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर यूलिया भी आ चुकी होती है और अब सरगई यानी कि प्लेग डॉक्टर इन दोनों को मारने के लिए ढूंढना शुरू कर देता है। दोनों के दोनों छुप जाते हैं और अब मेजर ग्रोम प्लेग डॉक्टर को मारने के कई अलग अलग तरीके सोचते हैं, लेकिन हर तरीके में उन्हें अपनी हार ही नजर आती है। उन्हें सिर्फ एक ही तरीका सही दिखता है, जिसमें वो प्लेग डॉक्टर को अपने कंधों पर उठाकर खुद भी बिल्डिंग से नीचे गिर जाए ताकि उनके साथ प्लेग डॉक्टर का भी खात्मा हो जाए। और जब वो ऐसा करते हैं बिल्डिंग से कूदते हैं तो तभी यूलिया और उनका दूसरा साथी उन्हें पकड़ लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद प्लेग डॉक्टर को चेयर से बांध दिया जाता है। लेकिन प्लेग डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि मेजर ग्रोम को पूरा शहर पुलिस वाले ही प्लेग डॉक्टर समझते हैं, वो जाकर भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उनके पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। तभी यूलिया उसे बताती है कि हमने तुम्हारी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है, मैं एक ब्लॉगर जर्नलिस्ट हूं इसीलिए मैंने मेजर ग्रोम के कपड़ों में कैमरा लगा दिया था, और अब पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम ही प्लेग डॉक्टर हो और तुम्हारे असली इरादे क्या हैं। वहीं शहर को दिखाया जाता है जहां पर पुलिस फोर्स चारों तरफ फैलकर सारे दंगा करने वालों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। और अब मेजर ग्रोम जिसने प्लेग डॉक्टर का भांडा फोड़ दिया है उसके सामने उसका सीनियर उसका कर्नल आता है, साथ ही वो ऑफिसर भी आता है जिसे मेजर ग्रोम का यानी कि प्लेग डॉक्टर को पकड़ने का केस दे दिया गया था। वो मेजर ग्रोम को अब भी शक की बिना पर गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन उसका कर्नल उसके मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सारे सबूत है, और वो मेजर ग्रोम को अपने गले से लगा लेता है। वहीं डॉक्टर प्लेग को दिखाया जाता है जो अब जेल में है, साथ ही कानून को प्रशासन को भी ये एहसास होता है कि उन्हें अपने कानूनों में कुछ बदलाव लाना होगा। मेजर ग्रोम को उनकी पावर उनकी पोजीशन वापस मिल जाती है और अब वो अपने स्केच बनाने वाली कॉलीग और यूलिया के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।